आकस्मिक रूप से बने जलप्रपात देखने को दर्शनार्थी पहुंचे उत्तर गुवाहाटी बांका। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते विश्व के कई क्षेत्रों की तरह भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। हर वर्ष लोग इस समय छुट्टियां मनाने जाया करते हैं। कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ जलप्रपात के जल स्रोत देखने के लिए नजदीकी मेघालय शिलोंग में जाके प्राकृतिक के मनोरंजक दृश्यों का आनंद लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार यह संभव नहीं हो पाया है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, अब जलप्रपात देखने के लिए मेघालय जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर गुवाहाटी के दीर्घेश्वरी देवालय के समीप वाका के पहाड़ में आकस्मिक रूप से निकल आया है एक जलप्रपात। इस जलप्रपात ने काफी लोगों को आकर्षित किया है। पहाड़ के ऊपरी भाग से लगातार बहते हुए इस रहस्यमय जलधारा या जलप्रपात को देखने लोगों को भारी भीड़ उमड़ा है, जिसके कारण जल क्रीड़ा के आनंद में लॉकडाउन आदि सभी भूलकर आनंद विभोर हो चुके हैं कुछ लोग। यदि कोई पहाड़ से गिरी हुई ठंडे पानी से आनंद ले रहे हैं, तो कोई दोस्तों के साथ सेल्फी लेके अपना आनंद शेयर कर रहे हैं। इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में अपने को विलीन करके कुछ पल के लिए ही सही लोग भुला चुके हैं अपना दुख दर्द। अब इस इलाके के लोगों में एक उत्सुकता जागरूक हुआ है कि क्या आकस्मिक से बने हुए ये जलप्रपात अस्थायी रहेंगे। अगर ये जलप्रपात अस्थायी होते हैं तो यह जगह एक पर्यटक स्थल बनते और इस इलाके के लोगों को कुछ न कुछ फायदा होने के अलावा सरकार को भी लाभ मिलता। इसलिए इन सभी दिशाओं को विश्लेषण करते हुए असम सरकार के पर्यटन विभाग, प्रशासन और वन विभाग को उपरोक्त विषय पर नजर देकर यदि संभव हो इसके संरक्षण की व्यवस्था के लिए स्थानीय लोगों ने आह्वान किया है। गुवाहाटी से कामरूप ब्यूरो पंकज नाथ की रिपोर्ट। মানে কি আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অঞ্চলত বাতা বুলি কয় এইখিনি প্লেচটো, এইটোত মানে কি এইটো জলপ্ৰপাত এটা সৃষ্টি হৈছে। আগতে সৰু সামান্য আছিল যদিও এতিয়া ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত এইটো বৃহত্তৰ আকাৰ লৈছে আৰু মানুহখিনিয়ে সমগ্ৰ মানুহ এই ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনিয়ে আহি ইয়াতে মনোৰঞ্জন মানে কি কৰি আছে। আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মানে কিছু নিৰাপদ মানে সামান্য 10-15 কিলোমিটাৰ নিৰাপদতে এইটো বাকা স্থিত এলেকা, ইয়াতে মানে কি মানুহখিনিয়ে আহি সমগ্র মানে কি মনোরঞ্জন করে আছে।